हेलो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ टुडे वी विल स्टडी व्हाट ट्रू और फॉल्स। व्हाट इज गिवन फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल एग्जांपल हाउ मेनी गिवन देयर, फाइव एग्जांपल्स आर देयर। फर्स्ट एग्जांपल, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑलवेज, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। टेक एनी थ्री ऑड नंबर, फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर मीन्स व्हाट, इन वन प्लेस व्हाट वी वॉन्ट, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन लाइक दैट, एनी वन डिजिट नंबर और टू डिजिट नंबर यू कैन टेक। द सम ऑफ थ्री एनी थ्री ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, उनका एडिशन करने से ऑड आता क्या आंसर वो देखना है हमें। टेक एनी ऑड नंबर, सो आई एम टेकिंग हियर, लेट द थ्री ऑड नंबर बी, लेट द थ्री ऑड नंबर, लेट द थ्री ऑड नंबर बी, टेक हैज विश एनी थ्री ऑड नंबर, थ्री आई टेक हियर, टू हियर फर्स्ट, आफ्टर दैट फाइव एंड सेवन, थ्री फाइव और सेवन क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। अब इनका क्या करना है, सम, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर, सम, सम मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, प्लस देयर सम और सम इक्वल टू थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, क्या आता है आंसर इसमें करो, थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, थ्री प्लस फाइव एट, ओके, एंड एट प्लस सेवन फिफ्टीन, एट प्लस सेवन फिफ्टीन, अब फिफ्टीन कौन सा नंबर हो गया, ऑड ही हो गया, फिफ्टीन कौन सा नंबर हो गया, ऑड, यानी तीन ऑड नंबर का अगर एडिशन करने से आंसर उसका क्या आता है, ऑड ही आता है। या पूछा है द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, ऑड आ रहा ना, आया है ना ऑड, इसलिए क्या आता है हमेशा आंसर उसका यानी ऑड ही आएगा, ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर ऑड ही आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इज ट्रू, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, सो स्टेटमेंट इज व्हाट ट्रू। यहां पर तुम ये जरूर नहीं कि थ्री फाइव सेवन कोई भी नंबर ले सकते अपने हिसाब से, सो राइट डाउन दिस वन। नाउ लुक दैट सेकंड एग्जांपल, ए चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द एडल्ट्स चेंजेस द सम, ए चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द एडल्ट्स चेंजेस द सम, फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑर्डर ऑफ एडल्ट, फॉर एग्जाम्पल सेवन और एट प्लस टू, एट प्लस टू हाउ मच टेन, अब ये फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या होंगे, एडल्ट्स, एडल्ट्स, और जो आंसर मिला उसको हम क्या बोल सकते हैं, सम, ठीक है, एस यू, या ए चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द एडल्ट चेंजेस द सम, अभी एट प्लस टू यानी क्या हुआ एडल्ट और आंसर क्या है टेन, अब टू प्लस एट, टू प्लस एट करो क्या आता है उसका भी आंसर क्या आता है सेम, आंसर क्या डिफरेंट आ रहा क्या, सेम आ रहा, आंसर सेम आ रहा है, एट प्लस टू करो या टू प्लस एट, आंसर वी गेट द आंसर सेम, ए चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द एडल्ट चेंजेस द सम, सम आंसर चेंज होता है क्या, नहीं होता, आंसर क्या मिल रहा है हमें सेम आ रहा, लेकिन यहां दिया है ए चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द एडल्ट changes the sum, so this statement is what, false, statement is what, false, understood, so note down this one, answer same नहीं आता, अगर उनका order change भी करते हैं addend का तो answer same नहीं, answer same ही आएगा, different नहीं आएगा। Now next, the sum is always greater than any of the addends, the sum is always greater than a sum, थर्ड वन, द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द एडल्ट्स, ओके, क्या जैसा अभी द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जैसे यहां पर देखिए एट प्लस टू क्या आया था टेन, ठीक है, टेन तो बड़ा है, ये एडल्ट है, एडल्ट से टेन बड़ा आ रहा कभी कभी यानी यहां आ रहा, लेकिन इसी नंबर में जैसा अभी यहां पर किए ना एट प्लस टू क्या है इसका आंसर टेन, अब ये सम है और ये एडल्ट है, यानी सम, द सम इज ऑलवेज, यहां पर टेन इज ग्रेटर देन आ रहा है इससे एडल्ट से, यानी सम इज ग्रेटर देन एडल्ट, ये है क्या है तुम्हारा एडल्ट, ए एडल्ट और ये है सम, ठीक है, यस यू, यानी यहां पर क्या हो गया, सम इज ग्रेटर देन एडल्ट आ रहा है, ठीक है, द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द एडल्ट, लेकिन अभी एट प्लस जीरो करो, अभी जीरो भी ले सकते हैं हम, एट प्लस जीरो क्या आ रहा है एट, अब क्या हो गया ये एडल्ट, एडल्ट्स है एट एंड जीरो और सम क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है एट, यानी
या इक्वल भी आ रहा है, यहाँ पर आया क्या 8 ग्रेटर आ रहा है क्या 8 को, नहीं इक्वल हो रहा है और 8 इज ग्रेटर देन 0। द सम इज ऑलवेज, ऐसा जरूरी नहीं क्या हमेशा यानी ग्रेटर ही आएगा करके, सम द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द एडल्ट्स, ऐसी जरूरी नहीं कि हमेशा हमें जो आंसर मिलता है वो बड़ा रहेगा, इक्वल भी आ सकते हैं आंसर, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, दिस स्टेटमेंट आल्सो व्हाट फॉल्स, ऑलवेज दिया है हमेशा, हमेशा नहीं हो सकता, कभी बड़ा आता है तो कभी इक्वल भी आता है, इसलिए सो नोट डाउन दिस वन। नाउ फोर्थ एग्जांपल लुक एट द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ द सम 2365, हाउ मेनी डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, 1 10 100 1000, 2365 प्लस 2455 इज 0। द डिजिट इन वंस प्लेस, वंस प्लेस में उसका आंसर, इसका आंसर जो फाइंड करेंगे वंस प्लेस में 0 आता है क्या देखना है, वंस प्लेस ऑफ द सम, सम यानी इन दोनों को क्या करना है प्लस, ठीक है, ये दो नंबर का प्लस करके देखो उसमें अगर वंस प्लेस में अगर 0 आया तो स्टेटमेंट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। नाउ डू राइट दिस नंबर 2365 डू रफ प्लस 2455, नाउ एड वंस टेन्स आफ्टर दैट 100 एंड लास्टली 1000, नाउ 5 प्लस 5 10, 10 का 0 कैरी 1, ओके 1 प्लस 6 7 एंड 7 प्लस 5 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8 एंड 2 प्लस 2 4, 4820। अभी देखो द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द सम, ये किए हमने सब, वंस प्लेस में 0 आ रहा है, यहाँ पर वंस प्लेस में 0 है ना, है कि नहीं, यहाँ पर वंस प्लेस में हमें 0 मिल रहा है आंसर, इसलिए याद दिया 0। द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ द सम 2365 प्लस 2455 इज 0, बराबर वंस प्लेस में 0 आ रहा, इसलिए स्टेटमेंट इज व्हाट ट्रू, अंडरस्टूड। नाउ लास्ट एग्जांपल लुक एट द सम ऑफ टू इवन नंबर इज नेवर एन इवन नंबर, दो इवन नंबर का अगर एडिशन करने से उसका आंसर कहते हैं इवन नंबर नहीं आता, ऐसा पूछा इज नेवर, यानी कभी ऐसा जरूर नहीं कि इवन नंबर ही आएगा करके, ऐसा नहीं आया तो हम चेक करेंगे, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज नेवर एन इवन नंबर, इज नेवर एन इवन नंबर आता है या नहीं हम चेक करेंगे इसको अभी। लेट द टू इवन नंबर, इवन नंबर में यानी हमें कौन सा चाहिए, 2 4 6 8 10 12, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो 2 से डिविजिबल हो सकता हो, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, द नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ 2 अदरवाइज। नाउ लेट द 2 इवन नंबर, जैसे अभी कोई भी 2 इवन नंबर ले लो, स्मॉल डिजिट 1 डिजिट नंबर के, बी 1 डिजिट और 2 डिजिट, अभी क्या ले रहा मैं यहाँ पर 4 एंड टेक एनी नंबर अगेन 1 इवन नंबर, 2 चाहिए हमें, 4 एंड कौन सा लू बता 4 एंड 10, ओके नाउ लेट द 2 इवन नंबर बी 4 एंड 10, अभी उनका क्या लेना है द सम ऑफ 2 इवन नंबर, उनका प्लस लेना है, उनका क्या करना है प्लस, देयर सम इज यानी 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 कितना होगा 10 में 4 मिला, 10 प्लस 4, 0 प्लस 4 4 एंड 1 यानी 14 आया, 14 देयर सम इज 14 और 14 कौन सा नंबर हो गया ऑड या इवन, 14 हो गया इवन, 14 नंबर हो गया यहाँ पर इवन। लेट द 2 इवन नंबर बी 4 एंड 10, देयर सम इज आया है यहाँ पर 14 और 14 आ गया इवन। अब लेकिन यहाँ नेवर कभी भी नहीं आएगा करके, नेवर एंड कभी भी नहीं, इवन आएगा करके, लेकिन हमें तो इवन आ रहा है ना, 2 इवन नंबर का एडिशन करने से उसका आंसर इवन ही आ रहा है, ठीक है, इवन इवन एंड इवन ओनली वी गॉट, सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट फॉल्स, सो अंडरस्टूड। दो इवन नंबर का एडिशन करने से उसका आंसर इवन आता है, लेकिन यहां दिया इज नेवर एन इवन नंबर, इसलिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। सो नाउ दिस ट्रू एंड फॉल्स ओवर, नाउ वन एग्जांपल लेट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डी दैट आई विल एक्सप्लेन टुमारो, ओके।